शेयर करती हूँ। बहुत लोग बहुत सजेशन देते हैं, ये करो शेयर, वो करो, वैसा करो, वैसा करो, लाइव आओ, ये करो। मैं नहीं करती, मेरा जो मन करता है, मेरे जो समझ में आता है, मैं किसी का वीडियो। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, राधे राधे और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नैन्सी की चाय बन रही है, गुड मॉर्निंग वाली। सुबह की चाय एक बार मैं पी थी बना के, दोबारा से नैन्सी आज स्कूल नहीं गई है। छुट्टी है कि गई नहीं हो बताओ, पहले छुपाओ ना मुँह, इधर बताओ। सबको टॉफी पाई हो इतना अच्छा, तो अब बताओगी, बोलोगी कुछ। तो वीडियो का इंट्रो हो रहा है गाइज नैन्सी से आज, तो नैन्सी के लिए आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? नैन्सी बहुत मेहनत करती हैं स्कूल के लिए भी, घर के लिए भी, मेरी हेल्प भी बहुत करती हैं। सो आप कुछ बोलना चाहेंगी सुबह सुबह? नमस्ते प्रणाम कुछ करेंगी सब लोगों से? जय श्री कृष्ण। सो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, सब लोग लास्ट तक देखिएगा क्या शेयर होता है आज। हारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे। सो ये है बिस्किट, जो कि मैं इतना नहीं खाऊंगी, नैन्सी ने मुझे दिया है, ये नाश्ते के लिए दिए हैं मुझे। कल मेरा फास्ट था तो मुझे कुछ नमकीन चाहिए था, नमक वाला, और नमक ना खाओ तो मेरा बीपी लो हो जाता है, तो इतना सारा बिस्किट दिए हैं। और मेरे कप में चाय ना देके मुझे गिलास में चाय दी हैं। सो अभी मैं चाय एंजॉय करूँगी गाइस। नगाड़ा ढोल बजने लगा। जन्माष्टमी का कोई कह रहा है आओ तो अनुरुद्धाचार्य जी की कथा हम सुनते हैं। तो उन्होंने बताया कि 7 तारीख को जन्माष्टमी है, बहुत जगह आज ही बहुत लोग मना रहे हैं। सो आप लोग क्या किस दिन है, आज है कि कल है बताइएगा। और वीडियो पे इंट्रू तो मुझे पता, अभी टाइम हो रहा है 12:10 हो गए, घड़ी आ गई रहती थोड़ा सा। तो अभी मैं आई हूँ वीडियो के सामने, अगर मैं आई हूँ तो मैं कुछ लेके ही आई होंगी, कोई रेसिपी सोच रही हूँ शेयर करने के लिए। रेसिपी बनाते बनाते मैं पूरी रेसिपी बनी जा रही हूँ, क्या ही बोलूँ, कौन कौन सी रेसिपी डालूँ, क्या क्या शेयर करूँ। सो आज और जगह मेरी सिस्टर जो छोटी वाली है उसके यहाँ आज ही जन्माष्टमी, वो आज ही व्रत रखी है, क्योंकि कल उसकी बिटिया छोटी सी है तो उसका बर्थडे है जन्माष्टमी के दिन 7 सितंबर को। और नैन्सी भी कल ही मनाएगी, यहाँ पे भी कल ही मनाई जाएगी। हर त्यौहार 2 दिन होता है इसलिए गड़बड़ हो जाती, कोई भी त्यौहार होता है 2 दिन बोला जाता है, आज भी है कल भी है। अब देखो अब क्या होता है, कहीं अभी हम नीचे और लोगों से बात करें तो कोई बताएगा आज है, कोई बताएगा कल है, लेकिन हम लोग कल ही मनाएंगे, आज नहीं मनाएंगे 7 तारीख को। सो क्या शेयर करूं आज, नैन्सी पढ़ाई कर रही, बैठी यहीं कोना पकड़े रहती हैं, जब भी ये बैठती हैं तो यहाँ साइड में इधर ही बैठ के पढ़ाई करती हैं, एक कोना वो पकड़े रहते हैं, एक कोना ये पकड़े रहती है, उधर कैमरा नहीं घुमा सकते हैं, अभी नहीं घुमाएंगे, जब मूड होता है तो खुद ही बोलने लगते हैं। तो अभी चल रही हूँ कुछ बनाऊँगी, सुबह में तोरी की सब्जी बनाई थी, तरोई की रोटी बना के, एक बंदे का टिफिन गया वो लेके गए। अब दोपहर का लंच क्या होगा क्या बनेगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अब जा रही हूँ मैं खुद ही डिसाइड करूँगी और क्या बनाना है, फिर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वीडियो में बने रहिएगा सब लोग, हैप्पी जन्माष्टमी सब लोगों को। तो गाइस प्लान चेंज हो चुका है, मैं कोई रेसिपी जा रही थी बनाने, अभी इस टाइम कैमरा पूछ लो गंदा हो जाता है, तो वो चेंज हो चुका है। अभी मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, रिसेंटली ये हुआ कि अब पराठा बनेगा, तो वही कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ प्रिपरेशन। और चटनी सोचा बनाने के लिए, तो चटनी ये लोग खाते नहीं बिल्कुल भी, मैं अपने लिए थोड़ा सा सैलेड टाइप ऐसे काटूंगी तो काटूंगी। यहाँ पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, पढ़ाई टाइम होता है, नैन्सी अभी पढ़ रही थी, नहा के आई हैं तो अभी वो नहीं पढ़ रही, ये पढ़ रहा है, बीच बीच में पढ़ता रहता है, फिर मोबाइल देखता है, फिर पढ़ता है, यही करता है। मतलब पीसूंगी क्या, ऐसे कट करूंगी, तो अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ वीडियो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आलू के पराठे में मैं अजवाइन ऐड करती हूँ, आप लोग को पता है, कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ वीडियो में, तो ये मैं डालती हूँ इसमें। और ये हरा धनिया कट किया है,
नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट या स्वाद से थोड़ा सा ज़्यादा, आटे के साथ ये वो हो जाता है, थोड़ा सा तो ज़्यादा ही डाला जाता है। ये थोड़ा सा मसाला है और सब्जी में डाला था, एक पाउच में सुबह सब्जी बनाई थी तो उसमें थोड़ा सा ऐड किया था, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा टर्मरिक। आज मैं डाल रही हूँ, वैसे तो नहीं डालती, कोरिएंडर पाउडर बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ मसाले वाला। गिरा ही जा रहा है सब, क्या ही बोलूँ, हाथ से इतना मिस्टेक होती रहती है, हमेशा एक्सीडेंट सब होता रहता है। तो इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से, उसके बाद स्टफिंग तैयार होगी, फिर मैं पराठे बनाऊँगी यम्मी। और मेरा किसी भी खाना कोई भी हो, मेरा बगैर सब्जी के नहीं चलता, सब्जी मुझे चाहिए होती है तो मैं अपने लिए पराठा नहीं खाऊंगी, मैं रोटी बनाऊंगी। तरोई की सब्जी रखी है, तोरी तरोई जो भी है, इन लोग के लिए बना दूंगी और ढेर सारा बनेगा इसमें तो रख दूंगी शाम को, लोग शाम टाइम भी कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है तो खा लेंगे अपना चाय वाय से। सो स्टफिंग मेरी डन हो चुकी है, तैयार है। मैं इसमें अगर प्याज भी ऐड कर सकती थी लेकिन प्याज नहीं ऐड किया, ये लोग नहीं खाते हैं। और फिर अगर सुबह में इस टाइम दोपहर में बना रही हूँ, शाम तक अगर रखा है तो फिर महकने लगता है अजीब सा, तो इसकी वजह से प्याज नहीं ऐड करती मैं। अभी रुको, एक टुकड़ा और करूँगी, ये थोड़ा सा पिज्जा नहीं है ये, मैं इसका थोड़ा तुमको सजा के देना चाह रही हूँ ना। ये हो गया, चटनी हो गई, इधर करके पराठा बन रहा है, अभी पूरा बना नहीं है, तैयार हो रहा है। दही खानी है दोनों लोगों को, दही के साथ ही पराठा खाते हैं। मेरे लिए तो सब्जी रखी, मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन जाएगा कोई नहीं, मैं अगर जाती नहीं आती तो ठीक था, दोनों में से कोई नहीं जाएगा। तो खाओ ये चीज। बाहर में तो मुझसे एक बार भी नहीं बोले कि जाओ दही ले आओ, ऐसा तुम्हारा है नहीं कि पूरे दिन गया ही नहीं कोई सामान लेने, रात में 10:30 बजे बता रहे हो जाओ, तो मैं कह भी रहा हूँ जाओ दे दो। सो गाइस, अभी 3 बजने वाले हैं और मैं भी चली खाना खाने। मैं अपने लिए ये जो मैं वो बनाई थी स्टफिंग बनाई थी पराठे की, तो उसी का मैंने अपने लिए थोड़ा सा बचा के चोखा बना लिया। इसमें मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया और एक टमाटर कट करके, बाकी हरा धनिया वगैरह मिला था। ये 2 रोटी है, मेरा दोपहर का खाना है ये, और ये दही है, कटोरी में मैंने नहीं लिया, इसी में ले लिया, इसी में था। तो पराठे बन गए, बाकी सब खा। अब मेरा नंबर है खाने का तो मैं भी खाऊंगी।
आप लोग भी आइए खा लीजिए सब लोग। फ्रेंड आई हुई हैं, नैन्सी कहीं जा रही है, दोनों लोग मिल तो अभी नीचे गई हैं। आज फेस में स्वेलिंग लग रही है। सो गाइस अभी इतना सारा भंडारा लेके बैठी हूँ मैं, इधर कपड़े डले, इधर पायदान धोया वो डला हुआ है। तो अभी टाइम 5:30 हो रहा है और अभी चाय वाय नहीं बनी नैन्सी आज, तो अभी अभी आई है, दूध अभी नहीं है तो जा रहे हैं, दूध वूध की व्यवस्था करेंगे उसके बाद चाय बनवाएंगे। शाम को मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा फ्रेशनेस लगती है। और आज फेस पे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा, सर में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता कभी कभी, तो इस ऐसे पूरा जब नहीं वो होता तो पूरा ये मेरे सूज जाता है, यहाँ स्वेलिंग आ जाती है। शाम तक देखिए ठीक होगा तो होगा, नहीं तो ये रहेगा, अब 1-2 दिन तक रहेगा ऐसे। तो अभी बैठी हूँ, मौसम ठंडा ठंडा है, हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, तो थोड़ी देर यहीं बैठ गई हूँ। कैमरा इधर रहता देखते उधर है, हमेशा से ही यही है कि यहाँ पे फोकस होना चाहिए कैमरे पे तो उधर हो जाता है। वो तो चाय पीने का भी मन हो भी नहीं है, दोपहर में पी 2 बजे चाय बनाया तो 2 बजे पिया था। मेरी दीदी डांटती रहती कि तुम खाना जल्दी खा लिया करो, बहुत देर से खाती हो, 3 बजे खाना खाती हो, और जल्दी खाया करो, सुबह में कुछ नाश्ता किया करो, हैवी नाश्ता किया करो, इतनी लेट नाश्ता करती हो, बहुत डांटती हैं, पर हो नहीं पाता, पूरे दिन मैं लगी ही रहती हूँ तो हो नहीं पाता। चलिए मिलते हैं आप लोगों से चाय वाय के साथ, जब बैठोगे नहीं तो मैजी चलाए रहेंगे। सब लोग अपना अपना पोजीशन ठीक कर लो, हम किसी भी टाइम में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, इसमें चाहे जो भी हो भैया, पोजीशन सही लेके बैठा करो सब लोग। सो एवरीवन, अभी रात का बज रहा है 7:45, और इधर देखिए आप लोग, दिखा रही हूँ किचन में अंधेरा है, पूरा प्लेटफॉर्म बर्तन से भरा हुआ है, नैन्सी टीवी बहुत तेज आवाज है बहन। सो मैं चली रात का खाना बनाने, और रात के खाने में मैं क्या बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, तुअर दाल, अरहर दाल और चावल बनाऊंगी, और शायद मैं भिंडी बनाऊं ना बनाऊं अभी डिसाइड नहीं है, हो सकता है दाल ही चावल बनाऊं। तो चलिए फिर ले चलते हैं आप लोग को किचन में। सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कितना सोचता है तू फालतू में, क्या सोचता है, कहाँ गाना बजा रही हो? पैसा नहीं मांग सकते, किस लिए? अच्छा, अभी तो नहीं। कितना पढ़ा बुक को, कितना काम किया, इतनी मोटी बुक लेके आया है। नैन्सी कुछ बोलना चाह रही है, मैं जा रही थी किचन में लेकिन नैन्सी की कोई डिमांड है, सो नैन्सी कैमरे के सामने बोलना चाह रही है, इसलिए कैमरे के सामने बोलना चाह रही है क्योंकि इनका मतलब यह है कि अगर मैं कैमरे के सामने बोलूंगी तो वो मम्मी बनाएंगी, ऐसे बोलूंगी तो नहीं बनाएंगी, ऐसा है नहीं, ये नैन्सी की सोच है। चलिए बोलिए जल्दी से। मौसी देखेंगी ना तो तुमको छोला भटूरा खिलाएंगे, तकिया लेके जो बैठी हो ना, रूबी मौसी देखेगी, बड़ी मौसी देखेगी, तो रूपा मौसी कुछ नहीं बोलती है, वो कहेंगी जाने तो गट्टू है, और गट्टू तकिया रखे रहती है तो मौसी लोग देखती हैं गट्टू को तो तुरंत ही बोलती है, इनको बोल तकिया जो लेके बैठी रहती है ना। चलो आगे बोलो, इतनी सारी चीज़ें एक बार में कैसे बनेंगी बताओ। हो जाना, हाँ वो तो कल बनाऊंगी, तुमसे कह रहा आइसक्रीम, अभी तो गई थी 50 रुपये लेके, कल 50 रुपये लेके गई थी, सोचो बोलो नहीं। क्यों नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक पी के आई हूँ मैम, कहाँ कहाँ गई थी बताओ, पार्टी वार्टी करके आई हो, नहीं बताओ, ये कुछ सोच रहा है, ये पता नहीं क्या सोचता है, इसकी भी कुछ डिमांड है पर ये अभी नहीं बोल रहा, ये अभी कुछ टेंशन में है, पता नहीं किस टेंशन में है, पता नहीं बोलेगा नहीं जल्दी, जब इसका ज़्यादा मन होता है तभी बोलता है। तो नैन्सी की फरमाइश पे छोले भटूरे नहीं डोसा और पाव भाजी बोल रही हैं, देखिए होप की शेयर कर पाऊँ किसी दिन। नैन्सी को मार पड़ी थी बहुत बुरी वाली,
इतना मार पड़ी थी कि सामने आ नहीं रही है। कौन मारा था हमको, तुम बताई क्यों नहीं कौन तुमको मारा था? अभी भी मारा था, अभी ये बैठी हुई थी, मैं वीडियो देख रही थी और इनको पानी इनके ऊपर फेंक के चला गया, ये रो रही थी तो हमको पता ही नहीं चला, रो रही थी, मुंह लटकाई थी, मुंह लटकाई थी। अच्छा, मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कैसे क्या हो गया। सो हेलो एवरीवन, अभी रात का बज रहा है 9:30 और मैं आई वीडियो को एंड करने, जैसे रोज आती हूँ। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आप लोगों से कल, रोज सोचते हैं कुछ अच्छा अच्छा शेयर करने का, पर कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि तबीयत ठीक है तो मैं कुछ अच्छा ही शेयर करती हूँ। बहुत लोग बहुत सजेशन देते हैं, ये करो शेयर, वो करो, वैसा करो, वैसा करो, लाइव आओ, ये करो। मैं नहीं करती, मेरा जो मन करता है, मेरे जो समझ में आता है। मैं किसी का वीडियो भी नहीं देख के, मतलब कि कोई वो कर रहा है तो मैं भी वही करूँ, मेरा ये नहीं है। कि आज तक मैंने किसी का मतलब ब्लॉग ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ कुछ लोगों का कभी कभार, ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैं किसी का वीडियो नहीं देखती हूँ। मुझे इसका अच्छा लगता है, कभी तो देखती हूँ, जिसको सब्सक्राइब करी हूँ उनको रोज़ देखती हूँ। और लेकिन मैं किसी का ये नहीं कि वो ऐसे कर रहा तो मैं भी वही करूँगी, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये दिखाओ, वैसा करो, बाहर जाओ, बाहर का वीडियो शेयर करो। जितना अपने से हो पाता है और जितना अपने शक्ति है उतनी भक्ति है, यही वाला हाल है। कि जितना मेरे दिमाग में जो आता है, जैसा भी कि मुझे आज ये शेयर करना है, ज़्यादा तक मेरा कुकिंग का होता है, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अगर मतलब किचन में खड़ी हूँ सुबह से रात तक कुकिंग करना है मुझे, तो मैं करती रहूँगी, को इनफ नहीं बोलूँगी कि नहीं अब बस करो, अब रहने दो। रेसिपी, अच्छी अच्छी रेसिपी वगैरह जो भी हो, तो मुझे मतलब एकदम, मैं एकदम से व्यस्त हो जाती हूँ। मैं कुछ बनाने लगती हूँ तो मुझे ना गर्मी लगे ना ठंडी लगे, उसी में व्यस्त दिमाग, बिल्कुल मतलब एकदम से दिल लग जाता है, ऐसा वाला हिसाब किताब है। तो मेरे जो समझ में आता है मैं वही शेयर करती हूँ, किसी का सोच के, किसी का ये कि वो ऐसा किया है, तो मैं जितना मेरे से हो पाता है। सो आज मैं कोई रेसिपी देने वाली थी आप लोगों को, अच्छी सी रेसिपी देने वाली थी, बट नहीं दे पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सुबह में बोला था मैंने, इसकी वजह से माफ़ी मांग रही हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग की मर्जी है, आप लोग को जो करना हो, सब्सक्राइब करना हो, आप अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करिए, शेयर करते हो लोग, ऐसी बात नहीं है। इस महीने में मेरे कई बहुत सारे भी मतलब बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर किया, बहुत सारा शेयर हुआ है। इस पे देता रहता है ना, स्टूडियो में देता रहता है कितने लोगों ने कितना, मतलब नाम नहीं देता पर ये देता है कि शेयर हुआ है वीडियो, कितना शेयर हुआ है, 50, 60 ऐसा कुछ शेयर हुआ था। देख के अच्छा लगता है कि लोगों को मतलब पसंद आ रहा है, थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है। अपना काम है बेस्ट देना, आप लोग का काम है अच्छा कमेंट करना, लाइक करना, बस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। कैमरा इधर रहता है, मैं हमेशा इधर देखने लगती हूँ, और एक नई सी मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। सब लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।